औरैया पुलिस पर फिर गंभीर आरोप लगे हैं। औरैया जनपद की जीतमल पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगा है। दरअसल नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने वाले आरोपियों को साठ काट कर छोड़ने का आरोप लगा। चार दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा ना लिखे जाने तथा आरोपियों को छोड़ने से गुस्साए सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने चेयरमैन तथा चेयरमैन पति सदन पोरवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। चेयरमैन पर मुलजिमों को छुड़ाने का आरोप लगाया है और नाबालिग पीड़िता कक्षा 10 की छात्रा बताई गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की लगातार सख्त कार्रवाई के बाद भी जनपद की पुलिस पर आरोप लगने नहीं थम रहे हैं। ये पूरा मामला जीतमल कोतवाली का बताया जा रहा है। मैडम का नाम बताइए हमें। मैडम वो अंदर गई अभी, मैडम का नाम चाहिए। उसने हमसे भी कहलवाया कि ये लड़की नहीं है। मरने से जीने तो कोई फायदा नहीं। जो हमारी इज्जत चली गई तो जीने का क्या फायदा? हालांकि मुझसे किसी ने डायरेक्ट नहीं बताया सर, वो कहीं से मिला बुलाया गया कि भाई नाम किसका है, कैसे क्लियर होगा, क्योंकि किसी ने कोई डायरेक्ट नहीं बताया था। इससे हमको हवा चल रही थी कि अरे ऐसी बात है वैसी बात है, हमने कहा भाई इसकी जाँच की तो फिर बुलवाया गया। पूछताछ होने के बाद नाम आया कि भला भला की दोस्ती थी, इस तरह का नाम आ रहा है। चलो पूछ लिया जाए, बुला के पूछताछ की, इस पर जाँच चल रही है। अभी जाँच खत्म नहीं हुई है, ऐसा दिमाग मतलब कोई ना रखे। किसी को लगातार बैठा नहीं जा सकता और चलती रही। हम लोग बुलाया गया था इनके माँ बाप और जो भी मतलब चुप चापी दे सबसे बड़ी बात आपके सामने भी मेरी बात हो रही थी। बात होने के बाद यही फोटो वगैरह जो थी तो आपने शायद देखी थी और बताया, तो उसमें ये बात निकल के आ रही थी कि ये फोटो हमारी नहीं है, इस तरह की बात आई। तो बच्ची को धमकाया गया जब उसने किया, हम साथ में थे सर, हम साथ में थे, हमने सुना भी। मैं वहीं सामने सामने सर थे वहाँ पे, लड़की से साली। अभी सीओ साहब आ रहे हैं, आपको संतुष्ट करेंगे, आप निश्चित रहिए, आप ये न्याय आपको मिलेगा। लेकिन ये समय लगता क्योंकि न्याय कहाँ मिली है, मंजिल छूट गया। ये कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे निकाल दिया गया बिटिया। किस मामले में आज ये सारे लोग आए? घटना क्या हुआ? हमारी 14 साल की लड़की का रेप हुआ, 14 साल की लड़की का रेप किया लोगों ने। किन लोगों ने किया है? अपराधी सरेआम छोड़ दिए गए। किन लोगों ने किया है, कहाँ के थे वो? यहीं के थे, राजपूत गवानी के रहने वाले। बाप का नाम क्या है? ओम नारायण। ओम नारायण राजपूत। लड़का का नाम कपिल राजपूत। एक एक का नाम नीसू गुप्ता। किस दिन की घटना है ये? 28 तारीख। ढाई साल से तो मंदी चल रही है। पकड़ लिया तक पे देख, इनकी बेइज्जती करें। क्या पुलिस ने पकड़ा था अपराधियों को? 3 दिन पकड़ के बैठा रहा, 3 दिन बैठा रखा, जो जेब गरम हो गई छोड़ दिया गया। अच्छा, अब अपराधी छोड़ दिए बाहर है। आप क्या चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। लड़की को धमकाया गया, डराया गया, गाली भी दी गई, लड़की को भगा दिया गया। हम साथ में थे, साथ में थे, तो साथ थे सामने सामने। वो भी मैडम थी, वो अंदर बैठी हुई है। उन्होंने लड़की को धमकाया? हाँ, उसका क्यों जिंदगी साली बर्बाद करने पर तुली हुई है, हमारे सामने उन्होंने किया। उसकी शादी होगी।